इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, इस डिपार्टमेंट में काम करना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। और जब बात आती है एज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है और वह है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। आज हम जानने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके से आप अपनी ड्रीम पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कहें आईटीओ की पोस्ट को किस तरह से आप ज्वाइन करें, क्या इसके एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी और क्या इसकी एज लिमिट आपको देखने को मिलती है और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये एक ऐसी पोस्ट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपको एग्जाम देना होगा वह है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन के थ्रू 30 से 35 डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनकी वैकेंसीज आती है। और जब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ नो परसेंटेज बार, और इसीलिए हम इसे कहते हैं एग्जाम ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और मिनी आईएएस एग्जाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स 22 टू 23 लाख एप्लीकेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज आपको बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि समय समय पर इसकी वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 30 साल के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी की कैटेगरी से हैं तो आपको 3 इयर्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तो आपके जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। साथ ही साथ फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस यहां पर देखने को आपको नहीं मिलती है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपके पास यहां पर टायर 1 टायर 2 का एग्जाम होगा, इसके साथ ही साथ आपका एक एग्जाम यहां पर डीईएसटी होगा जिसमें आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड टास्क दिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगर मैं बात करूं टायर 1 एग्जामिनेशन की तो टायर 1 एग्जामिनेशन को इस बार के से आपको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया, पहले इसके मार्क्स ऐड होते थे लेकिन अब टायर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके दम पर ही आपको टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वही टायर 2 का एग्जाम आपकी मेरिट डिसाइड करेगा आप किस पोस्ट पर पहुंचोगे, आप अपनी ड्रीम पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पर पहुंचोगे या नहीं, ये टायर 2 के मार्क्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो टायर 1 के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज, इंग्लिश के अंदर 25-25 क्वेश्चंस हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पर आपके लिए हर साल इसके मार्क्स ऐड होते थे लेकिन इस बार से काफी बड़ा चेंज एसएससी ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में किया है और इसे क्वालिफाइंग इन नेचर किया है। इसके लिए मैं आपको बता दूं यहां पर एक मिनिमम कट ऑफ जो बनेगी लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% मार्क्स कम से कम स्कोर करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 25% मार्क्स और आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 20% मार्क्स टायर 1 के एग्जाम में स्कोर करना होगा, जिसके बाद आप टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। टायर 2 में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, इसके अंदर आपके पहले मैथ और इंग्लिश आते थे लेकिन अब आपके हर सब्जेक्ट का वेटेज एसएससी ने लाने का प्रयास किया है, तो मैथ और रीजनिंग का आपका सेशन 1 का पेपर होगा जिसके अंदर आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स ईच होगा और इसके साथ ही साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद आपके टायर 2 में सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंग्लिश की आपको 45
25 क्वेश्चंस और जीके के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस, टाइम 1 आवर, मार्क्स आपके 210 होंगे क्योंकि 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक सेक्शन 3 का पेपर होगा जिसके अंदर आपको 15 मिनट्स मिलेंगे और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपको 20 क्वेश्चंस देखने को यहां मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच का होगा। इसके साथ ही साथ आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके पहले इस एग्जाम में टायर 3, टायर 4 कई तरह के एग्जाम्स होते थे जिनको इस साल से एसएससी ने स्क्रैप कर दिया है और बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न आपके सामने लेकर के आए हैं। ये एग्जाम केवल डीईएसटी जो आपका होगा, डाटा एंट्री टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा क्योंकि 15 मिनट में आपका ये टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको जो डिपार्टमेंट आपने चूज किया है अगर आप उसके मेरिट में आते हो तो आपको यहाँ पर अपना ड्रीम पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स मिलने वाला है। आपको टायर 2 के बाद प्रिफरेंस भरने का मौका मिलेगा। आप अपनी पोस्ट प्रिफरेंस में सबसे पहले अपने ड्रीम पोस्ट आईटीओ को डाल करके इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ज्वाइन कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही सोशल रिस्पेक्टेबल पोस्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं। बात करूं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की तो आपकी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज आपको यहां देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर और यहां पर आपको कुछ अदर फिजिकल एक्टिविटीज की भी डिमांड होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम वेट आपका 48 केजी होना चाहिए और इसके साथ ही अदर फिजिकल एलिजिबिलिटीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। सैलरी की बात करें तो ये आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है जिसके अंदर आपको 55,000-60,000 की सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होती है। इसके साथ ही साथ आपको DATA अलाउंसेस, वेरियस अदर फैसिलिटीज गिवन बाय योर डिपार्टमेंट आपको यहां पर मिलती है और इसके साथ आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एज ए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और इसे हम मिनी IAS के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण ये है कि आप इस जॉब में आने के बाद आपको बहुत अच्छी पोस्ट, आपको कई सालों के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जॉब के बाद आप इक्विवेलेंट टू लगभग आप एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी के रूप में यहां पर जो आपके रिक्रूट होते हैं IRS, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप कहीं ना कहीं प्रमोट होकर के जाते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्किल्ड बना सकते हो और अपनी ड्रीम पोस्ट को आप हासिल कर सकते हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको SSC CGL के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में पूरी जानकारी दे पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।